नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम स्टार में। मैं नीरज मिश्रा आज आपके लिए ब्रेड केक लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से आप घर में ही कुछ ही चीज़ों से बना सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा एक डेजर्ट है। इसमें आपको गैस चलाने का भी झंझट नहीं है, कोई भी मेहमान अचानक आ जाए तो आप उसके लिए इसको ट्राई कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्पेशल केक बनाने के लिए मैंने ये लिए हैं ब्रेड के 4 स्लाइस। अब इन स्लाइस के जो किनारे हैं ये निकाल लेना है। इसको चलिए मैं निकाल लेती हूँ, एक एक ब्रेड करके किनारे इसके हटा लें। और इन किनारों को आपको फेंकना नहीं है, आप इनका यूज ब्रेड क्रम्स बनाने में कर सकते हैं आराम से। ये देखिए चारों तरफ से किनारे हटा लें। अगर आपके पास ब्रेड छोटी है तो आप बड़े साइज की ब्रेड यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये वाइट ब्रेड है। इसी तरीके से सभी पीसेस के किनारे निकाल लेना है। ये मैंने ब्रेड स्लाइस के सारे किनारे हटा लिए हैं। अब तैयार कर लेते हैं शुगर सिरप। ये मैंने एक कटोरी ली है और इसमें 4 चम्मच के करीब चीनी डाल देना है। ये चीनी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। बस ये आपका, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, जल्दी से तैयार हो जाएगा। चीनी इसमें घोल लेनी है केवल, ये शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। ये हमारा शुगर सिरप बिल्कुल तैयार है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। अपने पास रोटेटिंग स्टैंड नहीं है तो उसके लिए आप इस तरीके का कोई भी बर्तन ले लें, उसको उल्टा रख लें और थाली प्लेट जो भी अवेलेबल हो उसको इसके ऊपर रख लें। अब इसमें थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा देंगे जिससे कि हमारी ब्रेड अच्छे से चिपक जाए इसमें। ये व्हिप क्रीम मैंने घर में ही बनाई है, घर की क्रीम से ही। अगला वीडियो में आपको व्हिप क्रीम बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बिल्कुल बढ़िया, देखिए आप, बहुत अच्छी क्रीम बनी है। तो अब बनाते हैं केक। इसके ऊपर ब्रेड स्लाइस रख लेना है और शुगर सिरप इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है जिससे कि ब्रेड अच्छे से मीठा हो जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये इस तरीके से पूरे ब्रेड में शुगर सिरप लगा लेना है। अब लगाना है इसके ऊपर व्हिप क्रीम। ये देखिए, ये चाकू की हेल्प से इसमें पूरे में फैला देना है, अच्छे तरीके से इसको लगा देना है। यही प्रोसेस बार बार करना है। जितने भी ब्रेड अपने पास हैं, आप जितने लेयर का बनाना चाहते हैं उतने ब्रेड इसमें अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसे आप ट्राई ज़रूर करें। और इसके ऊपर ब्रेड स्लाइस, फिर से वही शुगर सिरप। ये देखिए मैंने सभी लेयर इसके तैयार कर लिए हैं और क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अब सभी किनारों में आप इस तरीके से लगा लें, घुमाते जाएं, बड़े आसानी से बन जाएगा ये। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ देखते हुए क्रीम लगा लें। बहुत ही आसान तरीके से ये बनने वाला केक है, यकीन मानिए आप। एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा कि इतने आसानी से केक घर में तैयार हो सकता है, वो भी ब्रेड से। चारों तरफ से इसको अच्छे तरीके से क्रीम को लगा लें और अपने मन चाहे तरीके से इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए केक बिल्कुल
तैयार है। अब इसको दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं डेकोरेट करने के लिए। डेकोरेट कर रही हूँ इस चॉकलेट सिरप से। आपके पास जो चीज अवेलेबल हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप डेयरी मिल्क वगैरह कोई भी चॉकलेट लेके उसको डाल सकते हैं चिप्स बना के उसके, और बहुत ही आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये चॉकलेट सिरप डल गया। अब इसके ऊपर डाल देते हैं, हमारे पास थोड़े से चोको चिप्स रखे हैं तो मैं उनका यूज कर रही हूँ इस तरीके से। आपके पास चेरी हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया आपका केक तैयार हो जाएगा। तो लीजिए आपका ब्रेड और घर की ही मलाई से बना हुआ केक बिल्कुल तैयार है। इसे आप इंजॉय करें। अभी मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। आप इसको देख के ये नहीं कह सकते कि ये आपने ब्रेड से और घर की मलाई से बनाया है। बहुत ही यमी है, इसे आप ट्राई ज़रूर करें। इसको आधा घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें तो बिल्कुल ही चिल्ड हो जाएगा। फिर इससे आप लोग सर्व करें और इंजॉय करें। इसे आप ट्राई ज़रूर करें। ये बहुत ही स्पेशल केक है और बहुत ही आसानी से बनने वाला है, जिससे कि आप सब लोग कभी भी इंजॉय कर सकें। ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं कि ये केक आपको कैसा लगा। इंजॉय करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।